वैज्ञानिकों ने नोवेल कोरोना वायरस से जुड़े लक्षणों के पैटर्न की पहचान की है और इसका सबसे आम लक्षण बुखार है। चीन के वुहान में अस्पताल में भर्ती 140 रोगियों के बारे में हालिया अध्ययन के अनुसार अन्य लक्षणों में थकान, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ शामिल है। बिजनेस इंसाइडर ने अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि पहली बार लक्षण सामने आने के बाद औसतन 5 दिन में रोगी सांस लेने में तकलीफ की समस्या का अनुभव करते हैं, जैसे गले में खराश के बारे में भी बताया, लेकिन इनकी संख्या काफी कम थी। शरीर का क्या हाल कर देता है कोरोना वायरस, कैसे लेता है जान। अध्ययन में शामिल 54% से ज्यादा रोगी पुरुष थे और इनकी उम्र का औसत 56 वर्ष था। सीडीसी निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार बीते 2 हफ्तों में ये जाना कि इस बीमारी को जिस तरह पेश किया गया है, इसका विस्तार उससे कहीं ज्यादा है। रेडफील्ड ने कहा कि इस संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी से कुछ ज्यादा है। पुष्टि होने वाले मामलों में से जिसे हमने देखा, उसे केवल एक गले में खराश के तौर पर पेश किया गया। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या शनिवार को 1523 तक पहुंच गई। वहीं पूरे विश्व में इससे लगभग 25 देश प्रभावित हैं।